आदाब, नमस्कार। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आज से मैं बच्चों के अदब का सिलसिला शुरू कर रहा हूं और आगाज कर रहा हूं इस किताब से, जिसका उन्वान है हिंदुस्तान की कहानियां, और जिसकी मुसन्निफ हैं मेरे नाज़नी सारा भाई, और इसे उर्दू में, माफ कीजिएगा, इसका उर्दू में तर्जुमा किया है राशिद अनवर राशिद ने, और इसे शाये किया है कौमी काउंसिल बराए फरोगे उर्दू जबान दिल्ली ने। तो आज पहली कहानी, इसका उन्वान है सुजाता। सुनिए सुजाता। चंद्रमासी के पहले की रात थी। सुजाता अपने छोटे से घर में सुतून से पीट लगाए बैठी थी। जहां वो बैठी थी वहां से दूर तक मैदानों में देख सकती थी। उसने अपने बाप की आवाज सुनी, जिसने आसपास की अच्छी गायों को जमा कर रखा था और उसे हाँकता हुआ घर ले आया था। वो तकरीबन 1000 गायें थी। हर सुबह वो एक चरवाहे की निगरानी में गांव के बाहर खेत खलियानों में भेज दी जाती। शाम में वो उन्हें वापस ले आता और मालिक के दरवाजे पर उन्हें जमा कर लेता। घरों को बहुत एहतमाम और सलीके से एक लाइन में बनाया गया था, लेकिन गलियां बहुत छोटी थी। अक्सर कोई एक तरफ खड़ा हो जाता और उसके हाथ लंबे होते तो बहुत आसानी के साथ वो सामने की दूसरी दीवारों को छू सकता था, लेकिन कोई गांव की गलियों में ज्यादा वक्त नहीं गुजारता था। गांव के बाहर दरख्तों के झुंड थे, जहां तमाम मेले वगैरह मुनक़द किए जाते थे। जब भी गांव से मुताल्लिक किसी मसले पर बातचीत होती, वहीं बैठक का एहतमाम कर लिया जाता। तब सारे दिन ढेर सारा काम होता। सिंचाई के लिए नहरों की खुदाई होनी है, मवेशियों की देखभाल होनी है, औरतों के लिए सूत काटने का इंतजाम करना है, और बच्चों की देखभाल के लिए घर तैयार करने। आज सुजाता बहुत थक गई थी। दिन खत्म होने पर उसे बैठने, आराम करने और गौतम के बारे में सोचने का मौका मिला। अब उसकी जिंदगी हमेशा उसके बारे में सोचते और प्रार्थना करते गुजरती थी। वो महान आत्मा उसके गांव के नज़दीक जंगल में रहने के लिए आया था, जो उसके बाप की ज़ेरे निगरानी था। सुजाता ने गौतम के बारे में बहुत सी कहानियां सुनी थी कि जब वो पैदा हुआ कैसे गूंगे ने बोलना शुरू कर दिया, अपाहिज चलने लगा और धरती फूलों से ढक गई, जैसे हर दरख्त खुशी से झूमने लगे हों। उसका नाम सिद्धार्थ रखा गया और उसे तमाम तरह इज्जत दी गई, क्योंकि उसके वालिद नेपाल के करीब कपिल वस्तु में शाकिया कबीले के सरदार थे। इकलौता लड़का होने की वजह से उसके वालिद ने उसे 3 मकान दिए। एक गर्मी के लिए था,
एक जाड़े के लिए और एक बरसात के लिए। घरों के बाहर चारों तरफ बाग थे और बेशुमार खूबसूरती चारों तरफ मौजूद थी, लेकिन गौतम बहुत नाखुश था। उन तीन नजारों के लिए जो उसने देखे थे उन्हें वो भूल नहीं पाया था, और जिन्होंने उसकी नींद छीन ली थी, वो तीन चीजें बीमारी, बुढ़ापा और मौत थी। वो बिल्कुल समझ नहीं पाया कि इंसान क्यों बीमार पड़ता है, क्यों बूढ़ा हो जाता है और क्यों उसे मौत आ जाती है। इस तरह एक रात गौतम ने अपना खूबसूरत महल छोड़ दिया, उसने अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ दिया, साथ ही अपने कीमती कपड़े और जेवरात को भी छोड़ दिया। वो एक भिक्षु के लिबास में निकल पड़ा ताकि दुनिया के बारे में जान सके और उस जवाब की तलाश कर सके जो उसके सारे दुखों का खात्मा कर दे, अपने बाप का महल छोड़ने और भिक्षु के रूप में जबरदस्त तपस्या के बावजूद गौतम को आखिरी ख्वाब नहीं मिल सका और उसके बहुत से भक्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। ये सब और उससे ज्यादा बहुत कुछ सुजाता ने सुन रखा था। अब वो उसके घर के पास निरंजन नदी के किनारे रह रहा था। जब वो वहां पर बैठकर सोचने लगती, सुजाता प्रार्थना करती कि गौतम को रोशनी हासिल हो जाए। वो नहीं जानती थी कि वो रोशनी क्या है, लेकिन वो जानती थी कि ये जरूर कोई गैर मामूली चीज होगी जिसने एक इंसान को घर बार अपना सब कुछ छोड़कर एक भिखारी बना दिया है। उसने सोचा, क्या मैं उसकी ख्वाहिश की तकमील के लिए कुछ कर सकती हूं। इसके बाद उसने 800 लोगों को खाना खिलाया इस उम्मीद में कि शायद ये खाना उस तक पहुंच जाएगा, लेकिन ये कोशिश नाकाम रही। गौतम व्रत धारण किए रहा। उस रात जब सुजाता सोने के लिए गई, वो उदास और परेशान थी कि किस तरह वो उसके कुछ काम आए। जब उसे नींद आई तो उसका आखिरी तसव्वुर ये था कि गौतम एक पेड़ के नीचे तन्हा बैठा है। उसने ख्वाब में देखा कि किसी ने उसके पास आकर कहा कि उसने व्रत तोड़ दिया है और दोबारा से कुछ खाने का ख्वाहिशमंद है। सुजाता को लगा कि उसकी प्रार्थना कबूल हो गई। जब सुबह की सपीदी रफ्ता रफ्ता पहाड़ी के ऊपर फैलने लगी तो सुजाता उठी। उसका पूरा वजूद खुशी से झूम रहा था। उसने खाना बनाने वाली राधा को जगाया और राजदारी के साथ दोनों ने घर से चोरी की और अपनी 8 अच्छी गायों का दूध निकाला। उन्होंने हिफाजत के साथ दूध को अच्छी तरह उबाला, नए बर्तनों में उसे चावल के साथ मिलाया। उसे तब तक उबालती रही जब तक वो खाने के लिए बेहतर तौर पर तैयार नहीं हो गया। इस खौफ से कि कहीं गौतम उसकी तैयारी से पहले कहीं चला ना जाए, सुजाता ने राधा को पेड़ के नजदीक भेजा जहां वो जानती थी कि गौतम मौजूद होगा। लड़की जबरदस्त हैरत में वापस आई। उसने कहा, मालकिन, पेड़ में एक लकड़ी का भगवान है और सारा इलाका वीरान और सुनसान है, जैसे वहां आग लग गई हो।
लेकिन कोई भी चिंगारी देखने को नहीं मिलती। ये जानकर सुजाता खुशी से झूम उठी कि वो अब भी वहां मौजूद है। वो सोने का एक बर्तन ले आई और दूध चावल को उसमें रख दिया और उसे एक सफेद मलमल के बारीक टुकड़े से ढक दिया। उसने खुद अपने सर पर उसे लिया और राधा खामोशी के साथ उसके पीछे हो ली। वो पीपल के दरख्त के पास गई और सुजाता ने दूध चावल का बर्तन गौतम के हाथ में दे दिया और कहा, मेरे स्वामी, मैंने जो कुछ पेश किया है उसे कबूल कीजिए। आज मुझे एक हैरत अंगेज खुशी का एहसास हुआ है। और उसके सामने सर झुकाए हुए माफ कीजिए और उसके सामने सर झुकाते हुए वो दूर चली गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि उसे गौतम की खिदमत का मौका मिला था। गौतम ने चावल को शुक्रिया के साथ कबूल किया। वो नहाने के लिए नदी में गया और खाने से पहले कपड़े बदले। जब उसने अपना व्रत तोड़ा, उसने बर्तन को लहरों की जानिब कहते हुए फेंक दिया, अगर आज मुझे रोशनी हासिल हो जाती है तो ये बर्तन लहरों के ऊपर होगा, वरना ये लहरों के अंदर समा जाएगा। बेशक वो बर्तन लहरों के ऊपर रहा और उसी दिन भगवान गौतम बुद्ध ने जिंदगी का एक नया रास्ता पाया जिसके जरिए खुद उन्हें और पूरी इंसानियत को गमों और परेशानियों से निजात मिली। तो ये थी कहानी, बच्चों की कहानी सुजाता। कल फिर आऊंगा और बच्चों की एक और कहानी सुनाऊंगा। तब तक के लिए आदाब।